Let us begin with the force and with the laws of motion. Laws of motion. ये हमारा बेटी next chapter है. और आइए concentrate करें बेटा इस chapter पे. What do we mean by the term force और force के साथ related हमारे डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन बेटे कौन से हैं? इससे पहले बेटे आपको लेकिन इस चीज का पता होना बहुत जरूरी है. व्हाट डू वी मीन बाय बेटे इनर्शिया, और इनर्शिया की बेटे टाइप्स हमारे पास जो हैं ये कौन कौन सी हैं बेटा? जब भी बेटे आप इनर्शिया की बात करते हो तो वी डायरेक्टली से दैट कि ये किसी बॉडी की अबिलिटी है, जिस एबिलिटी की वजह से वो बॉडी अपनी प्रेजेंट स्टेट को प्रिजर्व करने की कोशिश करती है. अगर कोई बॉडी ऑलरेडी रेस्ट पे है, दैट बॉडी विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट बेटा. और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, देन दैट विल कंटिन्यू टू मूव अनलेस और अंटिल सम एक्सटर्नल अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड. और अगर कोई भी पर्टिकुलर मोशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो दैट विल कंटिन्यू इन दैट डायरेक्शन ओनली अनलेस और अंटिल आप उसको चेंज करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बिटी इनर्शिया वी ऑलवेज से दैट इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी ट्राइज टू प्रिजर्व इट्स प्रेजेंट स्टेट, मे बी ऑफ रेस्ट बेटा, मे बी ऑफ मोशन, एंड मे बी वो अपनी डायरेक्शन को ही प्रिजर्व कर रही हो. तो ऑन दिस बेसिस ओनली वी कैन सी दैट बेटा इनर्शिया कहीं ना कहीं बेटा आपकी ऑब्जेक्ट के मास पर इनवर्सली डिपेंडेंट होता है. अगर कोई बॉडी जो है ये मास इसका ज्यादा है, इसको बेटा रेस्ट पे अगर आपने प्लेस कर रखा है, इस ऑब्जेक्ट को इस बॉडी को मूव करवाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा बिकॉज इसका मास बहुत ज्यादा. आप इसको इनर्शियल मास भी कह सकते हो. और इसी बेसिस पे आप इसको इनर्शिया को बेटा तीन टाइप्स में डिवाइड कर लिया करते हो. एक आपके पास है बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंडली वी हैव इनर्शिया ऑफ मोशन बेटा, और थर्ड हमारे पास से बेटी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बेटी. तो ये इंपॉर्टेंट तीनों आपके पास बेटे टाइप के इनर्शिया हैं. अगर हम थोड़ी सी बात करके देखें, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सपोज कर लीजिए हम एक बस की बात कर रहे हैं, स्टेशनरी बस है या कार है, और वो जो बस है दैट सडनली स्टार्ट मूविंग, ऑलरेडी रेस्ट पे था बट दैट बस और द कार इट सडनली स्टार्ट्स मूविंग, तो जो उसमें पैसेंजर्स हैं बेटा दे फील ए बैकवर्ड फोर्स ऑन देयर बॉडी. दिस इज बेटे बेसिकली ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसके अकॉर्डिंगली पैसेंजर्स की बॉडी का पार्ट जितना बस के साथ कांटेक्ट में है वो तो बस के साथ मूव करने लग जाएगा, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज जनरली नॉट इन कांटेक्ट विद द सीट ऑफ द बस, सो दैट विल एक्सपीरियंस द बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स. और सेम इज द केस विद द हॉर्स राइडर बेटा. एक अगर आप हॉर्स राइडर की एग्जाम्पल ले लो, कोई पर्सन हॉर्स राइडिंग कर रहा है और हॉर्स राइडिंग करने के लिए रादर रेडी है, और जो हॉर्स है दैट सडनली स्टार्ट्स मूविंग, जो आपका राइडर है उस केस में दैट पर्सन विल बी फॉलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बेटा. देन वी कम टू द केस ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन बेटा. कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, हॉर्स राइडर है, हॉर्स राइडिंग कर रहा था, और हॉर्स जो है that is running at its full swing beta. Suddenly on the way the horse it sees some particular strange object or horse jo hai that comes to rest beta.
अगर हॉर्स सडनली रेस्ट पे आ जाएगा तो पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द राइडर इन कॉन्टेक्ट विद द हॉर्स भी रेस्ट पे आ गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज जनरली इन नॉट कॉन्टेक्ट विद द हॉर्स, तो वो पार्ट जो है दैट विल ट्राई टू कंटिन्यू इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन, और उसकी वजह से राइडर पर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स बेटा लगेगा और उसकी वजह से राइडर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर जाएगा। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के रिगार्डिंग बेटे आप जनरली कह देते हो कि अगर आप एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर टर्न करते हो तो यू ऑलवेज एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेटा। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा बेटा, इट इज एडवाइज कि हमें अपना लगेज जो है दैट शुड बी टाइड ऑन द टॉप ऑफ द रूफ ऑफ द बस और द कार और द पैसेंजर व्हीकल व्हेन वी आर गोइंग फॉर ए लॉन्ग जर्नी। दिस इज जस्ट बिकॉज व्हेन वी विल बी टाइंग द लगेज और द अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑन द रूफ ऑफ द बस और द कार विद द रोप, देन आपकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, मोशन को और डायरेक्शन को, तीनों को एड्रेस किया जा सकता है। अगर आपका व्हीकल सडनली मूव करना स्टार्ट कर देगा, आपका लगेज बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं गिरेगा, और अगर आपका ऑलरेडी मूविंग व्हीकल जो है दैट कम्स टू रेस्ट बेटा, तो आपका लगेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं गिरेगा, और जब आप एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर शार्प टर्न कर रहे हो तो आपका जो लगेज है दैट विल नॉट फ्लाई ऑफ अलोंग द टेंजेंट टू दैट पर्टिकुलर पाथ बेटा। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी बेटा, और ये आपने कहीं ना कहीं लोअर क्लासेस में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बेटे आप बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बेटे बार बार हम बात कर रहे हैं, बैलेंस फोर्स जो है कुछ भी नहीं कर सकती ये बैलेंस फोर्स, बिकॉज उसका रिजल्टेंट है ही नहीं है। अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई किए हुए हो दैट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन और सम अदर फोर्स, और उस केस में वी विल से दैट कि आपका बैलेंस्ड फोर्स ना तो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, ना शेप को, और ना ही वो किसी भी और तरीके से कोई रिक्वायर्ड चेंज लेके आ सकता है। वाई? बिकॉज वो फोर्स आपका ऑलरेडी बैलेंस फोर्स है। अब के बाद आप जितनी बार भी फोर्स का नाम लोगे दैट विल बी बेटे अनबैलेंस फोर्स बेटा। अनबैलेंस फोर्स की ही हम बात करेंगे जब भी हम बेटे बात करेंगे अब फोर्स के बारे में बेटा। सो आइए अब बेटे फोर्स के साथ रिलेटेड आपके लॉज ऑफ मोशन हैं इनको भी जरा वन बाय वन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है और न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है एंड बेटे न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, इन लॉज पर बेसिकली कंसंट्रेट करके देखें। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली बेटा ये कहा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, अगर मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। अब बात आती है कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें बेटा कि आपके पास एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है, दैट इज रोलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द फ्लोर, हमने उस पे कोई और एडिशनल फोर्स नहीं लगाई, बट थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो तो रेस्ट पे आ जाता है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो दैट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम मोमेंटम एंड इन द सेम डायरेक्शन। उस केस में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक हिडन फोर्स है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, दैट मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बॉडी और द बॉल टू ब्रिंग दैट बॉल टू रेस्ट, और वी कैन से दैट दैट इज द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन द बॉल। आइए थोड़ा इसके बारे में सिस्टमेटिक वे में लिख के देखिए बेटा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है बेटा इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल और एन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रिटेन इट्स प्रेजेंट स्टेट
प्रेजेंट स्टेट अनलेस और अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. बेटा इस केस में बेटा जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते वो अपनी प्रेजेंट स्टेट में कंटिन्यू करेगा. सेकंड लॉ बेटे थोड़ा सा इससे डिफरेंट है. सेकंड लॉ हमें बेटे बेसिकली डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है बेटा, और वहां से हम फोर्स का मेजरमेंट भी कर लिया करते हैं. दैट इज द एडिशनल पॉइंट ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. बेटा आइए जरा कंसेंट्रेट करें बेटा. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटा? सेकंड लॉ डिस्कस करने से पहले इट इज बेटे क्वाइट इंपॉर्टेंट कि हमें मोमेंटम के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि बच्चों मोमेंटम क्या है और मोमेंटम को हम किन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं. जैकलिन बेटे याद है मोमेंटम का बेटे आपको टर्म? मोमेंटम पुत्र ध्यान दीजिएगा जरा. मोमेंटम हमारा बेटे जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये बेटे मैथमेटिकली मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. और अदरवाइज मोमेंटम जो है इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. बेटा किसी ऑब्जेक्ट में कितनी मोशन की क्वांटिटी कंटेन्ड है इस चीज को पुत्र आप मोमेंटम कहते हो. मैथमेटिकल टर्म्स में ये मास और वेलोसिटी का बेटे प्रोडक्ट होता है. एंड डियर चिल्ड्रन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर नहीं है ये. क्यों वेक्टर है? क्योंकि आपका वेलोसिटी बेटे वेक्टर है, मास तो स्केलर ही है. बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज वाई मोमेंटम विल ऑल्सो बी वेक्टर. और नमन इसके यूनिट्स बेटे क्या होने चाहिए? मास के किलोग्राम, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड. राइट बेटा? तो ये मोमेंटम का थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा बेटा. इसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी न्यूटन सेकंड लॉ में. और सेकंड लॉ जो है बेटा इट स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज of momentum of that object बेटा. अगर बेटी इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो आई विल से दैट एफ इज बेटी डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन डी पी बाई डी टी. बेटी ऐसे लिखा जा सकता है ना पुत्र? और आप इसको बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हो कि दैट इज कॉल्ड योर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेटा. दिस इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी. डियर चिल्ड्रन के आपका वन के बराबर हुआ करता है, ये बात आप जानते हो इस केस में स्पेशली. और हम बेटे फिर ये यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपका एफ जो है एक्सटर्नल, ये बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर आपका आ जाता है बेटा. अब बेटे आइए इसको थोड़ा सा एनालाइज करें. ये आपका राइट साइड पे न्यूटन सेकंड लॉ है, ये आपको बेटे फोर्स का डेफिनेशन दे देता है यहाँ पे. अब हम डेफिनेशन को एक्सप्लोर कैसे करेंगे आगे, इसको हम कैसे अमेंड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, आइए डियर चिल्ड्रन जरा कंसंट्रेट करके देखिए. इमेजिन करिएगा आपके पास एक स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट रोड पे आपके पास ये कोई टॉय कार ए पॉइंट पे है. इनिशियल वेलोसिटी इसकी स्मॉल यू है जब आपने इसको ए पॉइंट पे देखा.
देन टी टाइम के बाद आपका टॉय कार बेटा बी पॉइंट पे पहुंच गया, और कोई बच्चा खेल रहा है उसने इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई किया दिस वे। आई मीन टू से दैट दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द टॉय कार, राइट बेटा? कोई छोटा सा बच्चा है वो खेल रहा है खिलौने के साथ, उसने इसको ऐसे धक्का दे दिया, फोर्स लगा दी, पुश कर दिया, तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगाई है तो थोड़ा उसमें वेलोसिटी में चेंज नोटिस आएगा ही बेटा। और इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी बन गई है, मतलब बदल गई है, कम नहीं ज्यादा ही होगी क्योंकि आप उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्ट डेफिनेटली एक्सेलरेट होगा। और ए से लेकर बी तक आप ये भी कह सकते हो कि आपके ऑब्जेक्ट ने एस के बराबर का डिस्टेंस कवर कर लिया बेटा, है ना पुत्र? इधर देखिएगा ध्यान से, आपको उन्होंने कहा है कि फोर्स इज इक्वल टू डी पी चेंज इन द मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। नमन पुत्र मोमेंटम में कितना चेंज आया इस टॉय कार के? पहले मोमेंटम एम इंटू यू है, बाद में कितना हो गया जी एम इंटू वी, टाइम कितना लग गया टी। सिंपल है, वैल्यूज पुट कर देंगे, आपका फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी फाइनल मोमेंटम बेटा माइनस एम इंटू यू इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बेटा, राइट? और डियर चिल्ड्रन एम को आप कॉमन ले सकते हो ना बेटा, इट विल बी वी माइनस यू अपॉन टी आ गया जी। बच्चों ये आपको कहीं देखा देखा नहीं लगता ये वी माइनस यू अपॉन टी? यस गुड। सो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए आपको यहां से मिल जाएगा। और बड़े ही ध्यान से देखिएगा, आपने न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज करके अपना फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया। सेकेंड लॉ डायरेक्टली आपको क्या देता है, फोर्स का डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन में कुछ छोटी मोटी चेंजेस लेके आए और आपको आपका रिजल्ट मिल गया न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर। अब बेटे यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि फोर्स के बेटे यूनिट्स क्या होने चाहिए। हमें पता तो होना चाहिए कि हम फोर्स किन 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 यूनिट्स में मैयर कर रहे हैं बेटा। डियर चिल्ड्रन आपकी फोर्स जो है ये दो टाइप के इसके बेटे यूनिट्स हैं फोर्स के, एक आपके पास है बेटे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट यूनिट्स बेटा, सेकेंडली आपके पास है बेटे ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल यूनिट्स बेटा। आइए थोड़ा ब्रीफली इनके बारे में बेटे बात करके देखें। दिया इज अनेबल टू ज्वाइन बेटा, एनी प्रॉब्लम दिया? आई थिंक शी इज ट्राइंग टू ज्वाइन बट नॉट एबल टू ज्वाइन प्रॉपरली दिया। ओके, दो टाइप के बच्चों यूनिट्स हैं, एक आपके पास है बेटा एब्सोल्यूट, एक ग्रेविटेशनल। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब है बेटे कि जो नहीं बदलते, नहीं चेंज होते। आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे चले जाते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हो, अगर यूनिट्स में कोई भी चेंज आप नोटिस नहीं करते, यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आता रादर, देन वी से दैट हमारे यूनिट्स एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं। और अगर मैं मोर साइंटिफिक वे में बोलूं डियर चिल्ड्रन, वी विल से दैट कि एब्सोल्यूट यूनिट्स जो हैं दीज आर दोज यूनिट्स बेटा विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, दे आर एब्सोल्यूट इन देमसेल्व्स बेटा। और ग्रेविटेशनल जैसे नाम से थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है हमें, ये बेटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी पे डिपेंड करते हैं। अब आप अच्छे से जानते हो स्मॉल जी तो बदलती है, हाइट के साथ बदलती है, डेप्थ के साथ बदलती है, पोल्स पे बदल जाती है, इक्वेटर पे बदल जाती है, अगर आप अर्थ से किसी और प्लेनेट पे चले जाओगे वहां पे भी बदल जाएगी। इट विल मीन दैट कि ग्रेविटेशनल यूनिट्स ना ये एब्सोल्यूट नहीं हुए थे क्योंकि ये जी पे डिपेंडेंट है, स्मॉल जी पे डिपेंडेंट है, तो ये आपके यूनिट्स बदलते रहेंगे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट यूनिट्स की अगर बात करें दीज आर
एब्सोल्यूट इन देमसेल्व्स एंड दीज डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, राइट बेटा? और इनमें आप अगर एसआई सिस्टम की बात करो तो आपका यूनिट आ जाएगा जी न्यूटन बेटे, आपने पढ़ा हुआ है ये ऑलरेडी डियर। और अगर बच्चों मैं बात करूं सीजीएस सिस्टम की बेटा, तो नमन याद है पुत्र, इट विल बी डाइम बेटा, है ना बेटा? अब आइए बेटे इनको वन बाय वन जरा देखें, करके डिफाइन करके देखें। हमने बोला था एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए है बेटा, डेफिनेशन को याद करने की कोशिश नहीं करनी, क्रैम नहीं करना चीजों को। इमेजिन कर लीजिए मास आपके ऑब्जेक्ट का 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का आपने मास लिया और आपने इस मास पे कोई फोर्स अप्लाई किया। अगर ये फोर्स इस 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, तो हम इस फोर्स को बेटा 1 न्यूटन फोर्स कह देंगे। सिंपल वर्ड्स में 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। जैकलिन बेटे बोलो, एनी पॉइंट, एनी थिंग यू वांट टू डिस्कस विद हम? हाँ जी सहज बुत्तर, ठीक है सब? डेफिनेशन मैं यहां से बेटे बोल रहा हूं देख के, याद नहीं करनी हमने, क्रैमिंग नहीं करनी है। 1 न्यूटन बेटा इज डिफाइंड एज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ इट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग ए मास ऑफ 1 kg बेटा। और ये आया सारा डेटा कहां से? यहां से, जो आपने ये डिराइव कर रखा, ठीक बेटा? नमन, वन किलोग्राम है बेटे ये, कि थोड़ा छोटा रह गया है किलोग्राम में। हाँ जी बेटे, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दिया बेटे। 1 newton is equal to 1 kilogram into 1 meter per second square, ठीक है बेटा? इसका जी छोटा रह गया है, जगह कम थी, मैंने थोड़ा कंप्रेस किया। सो अकॉर्डिंगली आप बेटे इसको देख लो, मैनेज कर लो, कोई आपको लगता है पॉइंट जरूर पूछिए, देन वी विल मूव अहेड बेटा, राइट? नमन पुत्र क्लियर? इधर हमारे बच्चे जो बैठे हैं हरनूर कौर से स्टार्ट करके एंड में अंजलि, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से बेटा। सबको पता चल गया सारे बच्चों को? ओके, अब बेटे सीजीएस आप ही बताइए बेटा, सीजीएस में हमारा डाइम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? जैकलिन, मास को कितना ले लें? 1 ग्राम। एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस कर दें? 1 centimeter per second square। फोर्स कितना हो जाएगा? 1 dyne, राइट बेटे? आपने करना क्या है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग सीजीएस में वैल्यूज लिख देनी है। मास आपने कितना ले लिया जी? 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस किया बच्चों? 1 centimeter per second square। तो आपका फोर्स बच्चों 1 dyne कहलाएगा, और हम कह सकते हैं 1 dyne इट इज इक्वल टू 1 gram into 1 centimeter per second square। आप कुछ इस तरीके से बेटे इसको समझ सकते हो बेटा, राइट बेटा? और अगर आपको कोई डिफाइन करने को कह दे कि जी 1 dyne को डिफाइन करके बताइए, तो वी विल से दैट 1 dyne इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 centimeter per second square इन एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास कितना जैकलिन? 1 ग्राम,
ठीक है बेटा, हो जाएगा इजीली अब। देन बेटा आई जस्ट कम टू द ग्रेविटेशनल यूनिट्स। बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट्स हमारे कौन से हैं, आइए बेटे कंसंट्रेट करें। बट उससे पहले एक छोटी सी बात और देख लीजिएगा, आपके पास 1 न्यूटन था, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर था। 1 किलोग्राम इट हैज गॉट 1000 ग्राम्स बेटा, राइट। और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में सहज कितने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे, 100, वेरी राइट, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डियर चिल्ड्रन इट विल बी 1 2 3 4 5 लिख दो, पावर 10^5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको देखिए, आपने 9 बोला हुआ है इसको बेटा, सो 1 न्यूटन 10^5 डाइन्स के बराबर आप कह सकते हो पुत्र। जरा चेक कर लीजिए, कोई आपको दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही है, वैसे तो आसान सा ही कंसेप्ट है, आपने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा है, जब आपने डायमेंशन वगैरह की थी तब आपने रिलेशनशिप्स निकाले भी थे। आइए अब फिर बेटे ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात करें ब्रीफली, ये यूनिट्स क्या हैं और कैसे हम इनके साथ बच्चों डील कर सकते हैं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स ओवर हियर। ये यूनिट्स बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पे डिपेंड करते हैं। दीज ग्रेविटेशनल यूनिट्स बेटे जो हैं, दीज आर डिपेंडेंट ऑन स्मॉल जी पर, राइट जी। अगर जी वेरी करेगा तो ये डेफिनेटली वेरी करेंगे। सो ग्रेविटेशनल यूनिट्स आपके जो हैं दे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस बेटे, राइट। इसमें आपके जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं बेटा SI सिस्टम में बेटा, इट इज किलोग्राम फोर्स, या आप इसको किलोग्राम वेट भी कह सकते हो, ठीक। और डियर चिल्ड्रन CGS सिस्टम में आप इसको ग्राम फोर्स या ग्राम वेट भी कह सकते हो बेटा, जैसे मर्जी आप इसको कर लीजिए, ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे। अब आइए इसको थोड़ा सा देखिए करके बेटा, आपने कहा था F इज इक्वल टू M इंटू ए, ए को हमने बच्चों लिया G के बराबर, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया। अगर आपका मास ऑब्जेक्ट का 1 किलोग्राम हो और आप उसमें इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दें तो आपका फोर्स जो है ये 1 किलोग्राम फोर्स बेटे कहलाएगा। सो 1 किलोग्राम फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास बेटा 1 kg। न्यूटन में कितना था यहां पे एक्सेलरेशन, यूनिटी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम फोर्स में कितना हो गया 9.8। आप रिलेट भी कर सकते हो यहाँ पे, आइए देखें, ये था ना आपका 1 किलोग्राम फोर्स, या इसको 1 किलोग्राम बेटे वेट भी कह सकते हो। ये बन गया आपका 9.8 को मैंने बेटे फ्रंट में एडजस्ट कर दिया, ये आ गया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना बेटा, ये आपका 1 न्यूटन ही तो है। सो 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन बन गया बेटा, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक। अब अगर हम बात कर लें बेटे CGS सिस्टम में कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या क्या हो रहा है, आप कहेंगे कि ए आपका जी के बराबर, और जी CGS में कितना होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटे, वैल्यू उतनी है लेकिन हमने CGS में बदल दी है। और मास आपके ऑब्जेक्ट का हमने पुत्र 1 ग्राम लिया, राइट। और डियर चिल्ड्रन अगर आपके 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, वी से दैट
दैट इज 1 ग्राम फोर्स. सो 1 ग्राम फोर्स इज द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास बच्चों 1 ग्राम. राइट, इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हो. बच्चों देखिए, 1 ग्राम फोर्स 980, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बेटे क्या होता है 9. वेरी नाइस, तो आपका ये 980 डाइम्स के बराबर भी आ जाएगा. ठीक हो गई बात पुत्र. छोटा सा एक और कंसेप्ट बेटा, दैट इज ऑफ इंपल्स और सिंपली इंपल्सिव फोर्स. आइए थोड़ी ब्रीफली बात करके देखें इसके बारे में. व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म बेटे इंपल्स. इंपल्स बेटे बेसिकली एक बहुत बड़ी फोर्स जब आप बड़े छोटे से टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई कर देते हो, दैट वी कॉल एज इंपल्स बेटा. जैसे कि ये देखो, आप नेल देख रहे हो यहाँ पे, इसको अगर आप बेटे 10 किलोग्राम का हैमर लेकर इस पर जोर से स्ट्राइक करोगे तो यू कैन वेल इमेजिन कि कितना ज्यादा फोर्स आप फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगा रहे हो. सो इंपल्स जो है बेटा, इट इज ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल बेटा. सो आपका इंपल्स जो है ये फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर हुआ, बिकॉज आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है बेटा, ऐसे कर लो आप. बिकॉज फोर्स वेक्टर है, इंपल्स फिल आल्सो भी वेक्टर बेटा, और इंपल्स के यूनिट्स हम क्या कह सकते हैं. यस, आपका फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, ये बेटे आपके इंपल्स के यूनिट्स हो जाएंगे बेटा. आप कुछ इस तरीके से बात कर सकते हो बेटा. राइट बेटे, एक छोटी सी बेटे आती है बात आगे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कर लें आज के कल करें बताओ. यस बेटा नमन, हाँ जी गुड़िया सहज, जैकलिन कर लें. चलिए बेटे 2 मिनट लगेंगे, वैसे मिनट 2 है नहीं अब हमारे पास, कोशिश करता हूं मैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है. इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कल करेंगे बेटे, रहने दो, बेल हो गई आपकी, फिर आपका टाइम कम पड़ जाएगा. सो बेटे डियर चिल्ड्रन, थैंक यू ऑल, कल आराम से करेंगे.